अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माशा अली एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 के कंट्रोल स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज को देखेंगे, समझेंगे, और ब्लैंक्स वगैरह भी होती हैं तो वो भी हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। जिस चैप्टर्स की एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट होती है, मौजूद होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं, पहले एमसीक्यूज को देखते हैं, उसके आगे ब्लैंक्स वगैरह जो भी होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास, लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड डैश लूप। एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप भी आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड। हमने देखा था कि नेस्टेड भी दो तीन तरह के नेस्टेड लूप्स थे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आया था नेस्टेड फॉर लूप। इस तरह से इफ एल्स के भी लूप्स थे। तो ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन आंसर के वीडियो में देखी थी, क्वेश्चन आंसर के लेक्चर में देखी थी डिटेल से। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे है, केस एंड डैश आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। केस और क्या चीज है जो कि पार्ट है स्विच स्टेटमेंट का, तो वो है डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे है, फॉर लूप एक्सप्रेशन हैज डैश पार्ट्स। फॉर लूप्स के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अलावा हमारे पास नंबर 4 है, एग्जिट फंक्शन इज यूज टू डैश। एग्जिट फंक्शन को किस लिए यूज किया जाता है, क्लोज प्रोग्राम के लिए, ठीक है। कंटिन्यू जो है हमारे पास टेक्स कंट्रोल टू डैश। कंटिन्यू बेसिकली क्या है, हमने देखा था कि कंटिन्यू जो है वो एक तरह की जंप स्टेटमेंट की टाइप्स में आ रही होती है, और हमने देखा था कि क्या है, टॉप ऑफ लूप है। ये टॉप ऑफ लूप जो है वो यूज होती है, ठीक है। ब्रेक हमने देखा था स्टेटमेंट के आखिर में यूज हो रही होती है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन आंसर में ऑलरेडी देख ली है। एमसीक्यूज इसीलिए मैं सबसे लास्ट में कराती हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर से चीजें समझ आए, तभी आप एमसीक्यूज मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाए। सिर्फ रट्टा मारना हमारा काम नहीं है, हमारा मकसद लेक्चर्स को समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इन गो टू स्टेटमेंट लेबल इज फॉलोड बाय डैश करेक्टर। लेबल जो है वो किस चीज से फॉलो होता है, करेक्टर, कौन सा करेक्टर यूज करते हैं, कॉलोन का करेक्टर, ठीक है, कॉलोन जो हमारे पास यूज हो रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास है, टू सेंड वैल्यू टू कॉलिंग फंक्शन वी यूज डैश स्टेटमेंट। किसी भी फंक्शन को वैल्यू सेंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, रिटर्न, ठीक है। हमने देखा था रिटर्न के फंक्शंस भी, और जहां रिटर्न यूज होता है तो क्या होता है, वो वापस वहीं चला जाता है जहां से उसको कॉल किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिटेल से क्वेश्चन आंसर्स में देखी थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसर्स की होती है, ठीक है, आपने उनको मिस नहीं करना। के अलावा हमारे पास है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज विद डैश। ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज होती है, स्विच के साथ। यूजिंग एल्स इज डैश विद इफ स्टेटमेंट। यूजिंग एल्स हम कब यूज कर रहे होते हैं, जब हमें ऑप्शनल कोई चीज बतानी होती है, ठीक है। एल्स इफ हमने स्टेटमेंट्स देखी थी, प्रोग्राम देखे थे, एग्जांपल देखी थी, तो इसे मुझे डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। इफ एंड लूप एक्सप्रेशन आर यूज डैश ऑपरेटर टू टेस्ट द कंडीशन, ठीक है। तो ये कौन से ऑपरेटर है, रैशनल, ठीक है। सी प्लस प्लस हैज डैश टाइप्स ऑफ कंट्रोल लूप्स, 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल लूप। सी प्लस प्लस हैज डैश डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स, कितने तरह के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं। डैश अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट सेवरल नंबर्स ऑफ टाइम। तो ये क्या चीज होती है, ये होती है लूप। लूप एक ऐसी चीज है जो कि आपको एक ही काम बार बार करने का ऑप्शन देती है, ठीक है। सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको लूप के जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे जब समझाई थी। उसके अलावा डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू डैश लूप। डू व्हाइल जो है वो किसके सिमिलर है, व्हाइल लूप के। इसके डिफरेंसेस भी देखे थे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी ऑलरेडी। इफ अ लूप एग्जिस्ट इन अ बॉडी ऑफ अनदर लूप देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड। अब आप देख रहे हैं एक ही टॉपिक को बार बार डिफरेंट वर्डिंग में मैंने आपके साथ शेयर किया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जिन्होंने पहले क्लासेस ली हैं क्वेश्चन आंसर्स की, उनको पता है कि नेस्टेड लूप क्या होता है। उन्होंने ऊपर वाला एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से खुद से ही सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि उन्होंने नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो तीसरे तरह का हमारे पास ऑप्शन आया है, वो भी आई एम श्योर कि आप लोगों को खुद से आ रहा होगा। डैश स्टेटमेंट कॉजेज द लूप टू स्किप द रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है इस चीज में। अ डैश स्टेटमेंट जंप्स और ट्रांसफर द कंट्रोल अनकंडीशनली फ्रॉम द गो टू लेबल स्टेटमेंट। तो ये होती है गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। अ डैश प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वल फ्रॉम, ये होता है कंप्यूटर। डैश स्टेटमेंट इज द बेसिक डिसीजन स्टेटमेंट। डैश स्टेटमेंट चेंज एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम फ्रॉम द नॉर्मल सीक्वेंस, ये होती है जंप। अब हमारे पास एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्लैंक्स पे। ब्लैंक्स आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो है वो थ्योरी से ही रिलेटेड होती हैं। छोटी छोटी डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ इसमें शेयर किए जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सीक्वल फॉर्म। अब ये जो मैंने बाद में हाईलाइट किए हैं, जो ब्लैक से हाईलाइट किए हुए हैं, ये भी मैंने आपको मतलब बताया, वहां एक तरह से इंडिकेशन दे दी है कि ये भी आपके पास एमसीक्यूज में ब्लैंक बन के आ सकता है, कि हो सकता है कि ये पूरा एमसीक्यूज एज इट इज लिखा हुआ हो और आपसे ब्लैंक में क्या पूछा जाए, ये पूछ लिया जाए, ठीक है। इस एमसीक्यूज में दो तरह के ब्लैंक बन सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज हो रही हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। सी प्लस प्लस हैज 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रक्चर आइटरेशन लूप्स एंड जंप्स, ठीक है। तो तीन तरह की हो गई, कौन कौन सी, सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके अलावा आइटरेशन लूप्स,
हो गई आइटरेशन और लूप्स एक ही चीज है, जैसे कि डिसीजन और सिलेक्शन, और तीसरी चीज क्या है, जंप। ठीक है, सिलेक्शन, लूप्स और जंप्स, तीन तरह की चीजें हो गई। सी प्लस प्लस हैज थ्री डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। ये तीनों आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट हैज चेक्स कंडीशन। इफ स्टेटमेंट इज अ बेसिक डिसीजन स्टेटमेंट। इन इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूट। इसके अलावा हमारे पास है इन इफ स्टेटमेंट, द कंडीशन इज फॉल्स इट लीव्स अ स्टेटमेंट। ठीक है, इन केस इफ एल्स स्टेटमेंट इज फॉल्स इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इन एल्स ब्लॉक। स्विच स्टेटमेंट चेक्स अ डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स आफ्टर द केस स्टेटमेंट विथ स्विच वेरिएबल। हमने देखा था कि स्विच और केस स्टेटमेंट्स एक ही चीज में आ रहे थे, हमने एमसीक्यूज में देखा था, आते हैं। ठीक है, एक साथ आते हैं। इफ स्टेटमेंट वेरिएबल मैचेस इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट आफ्टर स्विच। स्विच वेरिएबल डज नॉट मैच विद एनी ऑफ द केस कॉन्स्टेंट, कंट्रोल गोज टू द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इफ इट इज प्रेजेंट। लूप्स अलाउ टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इन सेवरल नंबर्स। उसके अलावा फॉर लूप एग्जीक्यूट a sequence of state multiple times. For loop is usually used in a situation where at start of loop we know that how many times loop's body will execute. Condition is tested at the start of loop. While loop is pre-tested, while loop tests the condition at the start of the loop, and it is usually in the situation where at the start of the loop we do not know that how many times loop's block will execute. बहुत important information है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा explain नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये point ही itself इतने आसान English में लिखे हुए हैं और बहुत important points हैं, तो आप लोग इसको याद करके जाइएगा कि हर property, हर चीज की, हर एक loop की, हर एक statement की property यहाँ पे share कर दी गई है as a blank, लेकिन ये बहुत important है आपके question answers के लिए भी। ठीक, while loop it is also called indefinite repetition loop. Do while loop is similar to while loop. While is also called force tested loop. Do while loop statement blocks is executed at least once. Break statement terminates. A continuous statement causes the loop to skip the remaining statement of the body. Immediately transfer control to the top of the loop. A go to statement jumps or transfer control unconditionally from the go to a label statement in the same function. A return statement terminates the execution of a function and transfer the program to the control statement just after the function call statement in the calling function. The exit used to terminate a C++ program. So, ये थी आज की हमारी video, आज का हमारा lecture. I'm sure कि आप लोग के लिए बहुत important lecture होगा. जिन जिन लोगों ने पूरी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस देखी हैं, शॉर्ट की भी, लॉन्ग की भी, तो उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया होगा। बहुत डिटेल से हमने शॉर्ट में भी देखा था एक एक चीज को, उसके बाद हमने लॉन्ग में भी देखा कि हमें वे ऑफ पैटर्न आना चाहिए फॉर अटेम्प्टिंग अ लॉन्ग क्वेश्चंस, कि हम लोगों को पता होना चाहिए किस चीज में कितनी डिटेल्स देनी है। अब हमने एग्जाम्पल्स देखी थी, सिंटैक्स कोड देखे थे, फ्लो चार्ट देखे थे, फ्लो डायग्राम देखी थी, आउटपुट्स देखे थे जिसके भी पॉसिबल थे, और आज हमने एमसीक्यूज और ब्लैंक्स करके ये चैप्टर भी वाइंड अप कर दिया है। सो आप लोगों को मालूम है कि मैं जल्दी से जल्दी जितने पॉसिबल हो सक रहा है कि आपके साथ डिटेल से वीडियो शेयर कर रही हूँ, कि आप लोगों का जो कोर्स है वक्त से पहले कंप्लीट हो जाए और चीजें आपको समझ आ जाए, ताकि हम लोग मिलके फिर पास्ट पेपर्स वगैरह भी सॉल्व कर लें। सो प्लीज आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट की जा रही है, क्योंकि ये नया कोर्स है, हर चीजें जो है वो हमें खुद से करनी पड़ रही है। पेपर्स वगैरह इस तरह से गाइड्स वगैरह इतनी अवेलेबल नहीं है, जो भी सोर्स है वो एक बुक है और उसी से हमने सारी चीजें निकालनी है। तो प्लीज आप लोग इस एफर्ट्स को समझें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अच्छा अच्छा पढ़ें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर्स आप लोग मिस ना करें और आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।